क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 9 ग्लोबलाइजेशन. हियर इज द सेकंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. इन द प्रीवियस वीडियो वी स्टडीड अबाउट फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम द लाइक किस किस एस्पेक्ट में किस किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हमें इफेक्ट कर रहा है पॉजिटिवली. तो वो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश की. नाउ लेट्स मूव अहेड. इफ़ यू लुक फॉर एग्जांपल्स of the use of the term globalization in real life, we will realize that it is used in the various contexts. अलग अलग तरीके से वो इस्तेमाल होता है. Let us look at some examples different from ones that we have looked above. यानी कि अब तक जो हमने examples पढ़े उससे कुछ अलग examples की तरफ चलते हैं. First example is some farmers committed suicide because their crops failed. मतलब खेती बाड़ी नहीं हुई, problem हुआ. ठीक है. दे हैव ब्रॉट वेरी एक्सपेंसिव सीड्स सप्लाइड बाय द मल्टीनेशनल कंपनी. मल्टीनेशनल कंपनी से महंगे बीज खरीदे गए और क्रॉपिंग या क्रॉप नहीं हुआ, फर्टिलिटी नहीं हो पाई और वो उसके लोन्स या उसका एक्सपेंडिचर बियर नहीं कर पाए एंड दे कमिटेड सुसाइड. अनदर साइड ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. नेक्स्ट इज एन इंडियन कंपनी ब्रॉट अ मेजर राइवल कंपनी बेस्ड ऑन द यूरोप डिस्पाइट प्रोटेक्ट्स बाय सम ऑफ द करंट ओनर्स. बेसिकली बेटा हम सेकेंड पॉइंट में देख रहे हैं कि एक इंडियन कंपनी है जो कि यूरोप में काम कर रही है और वहाँ पर जाकर उसे अलग जो ओनर्स हैं, जो यूरोपियन ओनर्स हैं, वो इस इंडियन कंपनी की हेल्प कर रहे हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली. नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बेटा लाइक मैनी रिटेल शॉपकीपर्स फियर दैट दे वुड लूज देयर लाइवलीहुड इफ सम मेजर इंटरनेशनल कंपनीज ओपन द रिटेल चेन्स इन द कंट्री. यानी कि जो मॉल्स हैं या जो और मेगा स्टोर्स हैं अगर वो खुलते चले जाएंगे तो जो लोकल शॉपकीपर्स हैं उनके लाइवलीहुड पर प्रॉब्लम आ जाएगी. द फिल्म प्रोड्यूसर इन मुंबई वॉज एक्यूज्ड ऑफ लिफ्टिंग द स्टोरी ऑफ हिज फिल्म फ्रॉम अनदर फिल्म मेड इन द हॉलीवुड. यानी कि स्टोरीज या कॉपी राइट्स के इशूज हो गए हैं. नेक्स्ट इज अ मिलिटेंट ग्रुप इशूड अ स्टेटमेंट थ्रेटनिंग कॉलेज गर्ल्स हु वर वेस्टर्न इन मतलब हु वर वेयरिंग द वेस्टर्न क्लोथ. क्योंकि बेटा जब ग्लोबलाइजेशन आ रहा है तो ऑब्वियसली उनके आइडियोलॉजीज उनके वैल्यूज़ भी दूसरे नेशंस में आ रहे हैं. तो दूसरे नेशन से कि इंडिया में भी कई बार हमें केसेस देखने को मिलते हैं दैट यूजिंग सेल फोन्स और वेयरिंग वेस्टर्न क्लोथ जीन्स और समथिंग एज. तो उस चीज़ को लेकर इशूज़ कई बार इंडिया में भी उठते हैं. तो वो चीज़ एक मिलिटेंट ग्रुप के थ्रू वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने पर कॉलेज गर्ल्स को थ्रेटन किया गया. These examples show us that globalization needs not always be positive. There are some negative aspects also, and it can have negative consequences for the people. Indeed, there are many who believe that globalization has more negative consequences than the positive. ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि positive points कम हैं, negative points ज़्यादा हैं. These examples also show us that the globalization needs not be only about the economic issues. क्योंकि ये सिर्फ ना economic aspect तक limit नहीं रहता. हम लोग अलग अलग aspects में देते, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर एक entertainment वाला issue भी पढ़ा, it's not economic. हमने western clothes के ऊपर threatening पढ़ी, it's not economic. तो economy के अलावा भी aspects पर वो challenge करते हैं. Then इसके बाद है बेटा, मतलब basically the direction of the influence always from the rich to poor countries. क्योंकि वो भी उनको अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े तो उनकी मार्केट, उनका एरिया, उनका रीजन भी वो इस्तेमाल कर सके फॉर देयर डेवलपमेंट. सिंस मच ऑफ दीज यूजेज ट्रेंड्स टू बी लाइक इम्प्रीशियस, कहीं ना कहीं वो उनको लगता है कि यार ये फ़ायदे की चीज़ें वो लोग यूज़ करते हैं. इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू क्लैरिफाई वट वी मीन्स बाय ग्लोबलाइजेशन. अब पहले हमें यह है कि पहले हम लोग ग्लोबलाइजेशन का एक स्पेसिफिक डेफिनेशन देख लें क्या होता है. तो ग्लोबलाइजेशन इज़ अ कॉन्सेप्ट फंडामेंटली डील्स विद द फ्लो. किसकी बात करता है बेटा, हमेशा फ्लो की बात कर रहा है. अब किस चीज़ का फ्लो? दीज फ्लो कुड बी ऑफ वेरियस काइंड, अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, अलग अलग लेवल पर काम करने वाले हो सकते हैं. ठीक है. तो दीज फ्लोज आर लाइक आइडिया मूविंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर. एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर आइडियाज जा रहे हैं, सोच
विचारधारा आइडियोलॉजी एक नेशन से दूसरे एरिया पर जाती है, कैपिटल मूवमेंट है, मनी का मूवमेंट है, कमोडिटीज़ का मूवमेंट है, बींग ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर्स एंड पीपल मूविंग इन सर्च ऑफ द बेटर लाइवलीहुड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आइडिया, कैपिटल, कमोडिटी, पीपल, इन चारों का फ्लो है, यही ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन में आता है। इट्स फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़, कैपिटल, कमोडिटीज़ एंड पीपल, इट्स लाइक फ्री फ्लो ऑफ। द क्रूशल एलिमेंट इज़ द वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस। ये टर्म आप याद रखें प्लीज़, दैट की ग्लोबलाइजेशन क्या है, इट्स वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस, कि दुनिया को आपने आपस में एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड कर दिया है, और इतना ज़्यादा कनेक्टेड है कि आप उसके बियॉन्ड जाकर नहीं सोच रहे, ठीक है, और आप उसके बियॉन्ड जाने के या फिर उससे सेपरेट होने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आफ्टर दिस, दिस इज क्रिएटेड एंड सस्टेन्ड एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट कॉन्स्टेंट फ्लो। अब ये किसका रिजल्ट है, ये उसी कॉन्स्टेंट फ्लो का रिजल्ट है जिसे अब हम लोग थोड़ी देर पहले ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन में रख रहे थे। ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, दैट कि ये सिर्फ और सिर्फ इकॉनमी से नहीं रिलेटेड है, ये कल्चर से भी रिलेटेड है, ये पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड है, ये आइडियोलॉजी से भी रिलेटेड है, ये हर लेवल पर काम करता है। इट हैज़ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल एंड मैनिफेस्टेशन एंड दीज मस्ट बी, मतलब है ना कि हर तरीके में, हर एस्पेक्ट में काम करता है, एंड दीज मस्ट बी एडिक्वेटली डिस्टिंग्विश, पर हमें इनको कहीं ना कहीं अलग करना पड़ता है। जैसे पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन को अलग करते हैं इकोनॉमिक से, इकोनॉमिक हम कल्चरल से अलग करते हैं, तो हम इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस करते हैं, हम आगे भी इस डिफरेंसेस के बारे में बात भी करेंगे। इट इज़ रॉन्ग टू अज्यूम दैट ग्लोबलाइजेशन हैज़ प्योरली इकोनॉमिक डायमेंशंस, ये रॉन्ग अजम्पशन है, इट इज़ नॉट अ करेक्ट अजम्पशन कि वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। दे ऑल्सो, मतलब ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो वर्क्स इन द पॉलिटिकल एस्पेक्ट एंड द कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल। जस्ट एज इट वुड ऑल्सो बी मिस्टेकन टू अज्यूम दैट इट इज़ प्योरली कल्चरल फिनोमेना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीन्स वाला कल्चर फॉलो किया जा रहा है, उसके अलावा हम बहुत सारे कल्चर्स फॉलो करते हैं, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज़ वास्टली अनइवन, पर यह है कि बेटा ये जो इसके इम्पैक्ट हैं अलग अलग नेशन पे अलग अलग परसेंटेज में रहा है, किसी के ऊपर ज़्यादा, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। इट अफेक्ट सम सोसाइटीज़ मोर देन दी अदर पार्ट्स ऑफ दी अदर सोसाइटीज़ इन दी डिफरेंट नेशन, तो किसी सोसाइटी पर ज़्यादा इम्पैक्ट है, किसी सोसाइटी पर कम इम्पैक्ट है, डिपेंड्स कि वो जो सोसाइटी जिसके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है वो कितना ज़्यादा अफेक्ट होने देती है अपने आप को। After this, and it is important to avoid the drawing general conclusions about the impact of globalization without paying sufficient attention to the specific context. और हम लोग ये भी देखते हैं और इस इम्पोर्टेंस के साथ भी पढ़ते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक जर्नल कंक्लूजन निकालने का नहीं मुद्दा उठ पाता, और हम लोग हमेशा एक सफिशिएंट अटेंशन देते हैं किसके ऊपर, कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हमेशा इसी के बीच में हम फंसे रह जाते हैं। पर हम इस चैप्टर में इम्पैक्ट्स के साथ साथ और कई चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल श्योरली डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन।